उसके प्लेयर्स आ सकते हैं। आगे मूव कर रहे हैं इकट्ठे संधू और दलजीत, सेम सेम एरिया पर मूव कर रहे हैं। दलजीत अंदर आ चुके हैं, बट देन आगे एकदम इसको ट्रिगर मिल सकते हैं, वहां पर डाउन हो सकते हैं, बट देन दलजीत गोज डाउन एंड आउट हियर। ट्रेड आता हुआ फिनिश किया जाएगा यहां पर, मेरे को लगता है संधू फिनिश करना चाहेंगे, बट देन इनके ऊपर प्लेयर्स आ चुके हैं और इस चौक का गेम यहां पर खत्म होता हुआ। दैट इज द फर्स्ट टीम टू गेट एलिमिनेटेड इन दिस वन फाइट। एक बंदा, एक और कंपार्टमेंट में दो बंदे हैं यहां पे कैरी ग्राउंड फ्लोर पे एकदम ब्लॉक होते हुए एक रूम के अंदर। यहां पे एमडी इज क्रेजी इज नॉट शिनचैन फायर पे और द ओनली वन स्टैंडिंग फॉर सीजी। शिनचैन पे भी पुश होता हुआ ऊपर, सिर्फ एक ही बंदा बजाज फायर ओपी यहां पे फुल यहां पे उस पे पुश आता होगा। यहां पे टीपीपी ले रहे फायर ओपी, बट ही गेट्स अ नॉक ऑन गिल एंड कंफर्म भी कर देते हैं। यहां पे वो पीछे जाते हैं आराम से, बढ़ते हैं जोन के ऊपर आ चुका है। विल ही ट्राई टू, ही टेक्स ऑन वन मोर पर्सन बट देन दैट वाज नॉट इनफ। कीकी टेक्स डाउन हिम एंड बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने डाउन किया। अब आइसिक बीइंग द प्लेमेकर राइट हियर, 7S वांट्स एन ओपनिंग, दे वांट दैट स्मॉल ओपनिंग, बट यहां पर इनसेन वर्सेस ईटीजी ब्रॉलर्स हो रहा है। इनसेन के चारों प्लेयर्स आ चुके हैं, आइकॉनिक की हेल्प बहुत ज्यादा कमेंड आएगा। यस, ईटीजी ब्रॉलर्स विल बी एलिमिनेटेड ऑन द अर्ली स्टेजेस एट 17 पोजीशन, बट देन एंटिटी वर्सेस इनसेन इज अबाउट टू बी ऑन द वे, बिकॉज दोनों के दोनों टीम्स एक दूसरे के आमने सामने एंड गन शॉट्स आ रहे हैं। नारुतो इज ट्राइंग टू स्पॉट हिज ओपोनेंट्स, बट देन घातक, लुक एट हिम, ही इज मूविंग फॉरवर्ड। वो किसी भी तरीके से गोलियों से नहीं डर रहे हैं, वो प्रॉपरली आगे आ रहे हैं ओपन में। दैट इज अ रियली रियली बोल्ड मूव घातक, एंड वो आगे आ चुके हैं अकेले, अपनी किसी भी टीम से नहीं डरे, किसी प्लेयर से डरे, एक प्लेयर को डाउन कर चुके हैं आराम से। एंड ही गोस फॉर द सेकंड प्लेयर, डाउन सेकंड प्लेयर एज वेल ऑन 40 HP। टेम्पेस्ट शुड बी गेटिंग द कॉल राइट नाउ, अदर प्लेयर आई थिंक नो, टेम्पेस्ट टेक्स घातक एंड ही विल ट्राई टू फिनिश हिम, बट देन डैमेज हैज बीन डन बाय एंटिटी घातक। एंटिटी घातक ओपी शुड बी रनिंग आउट राइट नाउ इन द चैट, बिकॉज क्या अल्टीमेट डैमेज गया। एंड ग्रेनेड आता हुआ पास, ग्रेनेड ने डैमेज किया नारुतो को, रिवाइव नहीं हो पाएंगे। मेरे को लगता है इनसेन का गेम यहां पर खत्म हो सकता है। जॉनथन आगे मूव कर रहे हैं धीरे धीरे, टेम्पेस्ट को हेल्प लगानी पड़ेगी, बट देन यहां पर इनसेन एलिमिनेट होती हुई एंटिटी से। बीआरडीएम इनके पास रहेगी कवर्स बनाने के लिए, बट देन घातक डिड द बेस्ट थिंग आउट इन दिस गेम जोन एंड कंफर्म्स पान सिंह, बट देन ये ग्रेनेड्स का ट्रेड का प्यारे तरीके से, एंड ही टेक्स डाउन क्लच गॉड, ओ माय गॉड नियो, दैट वाज एन अमेजिंग ग्रेनेड। सोनिक को अब देखना पड़ेगा उनका गेम प्ले किधर से आता है, बिकॉज अक्षय पीछे त्रिलोक को रिवाइव मिल चुका है। 8-bit इज रियली गुड विद द नंबर्स ऑफ द प्लेयर्स, बट देन एंटिटी वी नो व्हाट दे आर केपेबल ऑफ एंड takes down Neo. Oh my God, it's down to Z God alone. Absolutely. Now we will see कि ये बंदा जो नया आया है एंटिटी में, what he can do. That Molly is on Sonic. Sonic पे कनेक्ट हुई थी I guess, but Sonic was fast in his movements. वो यहाँ से निकल जाते हैं, Neo को confirm करने का try कर रहे हैं, but नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे God is the only one who can actually save entity, but नहीं, 8-bit के चारों बंदे उस पिक्चर, एक बंदे को वो ले जाता है, that's Sonic, and back to back push आते ही वो अक्षय को almost ले जाते, but अक्षय gets the better of God and entity gets eliminated. Them off in this fight, but then Cartoon takes down so Aman with an exceptional grenade. Just look at the distance the grenade has traveled, and वहाँ पर Viper को Molotov के through down किया जाता है। Regal Toss health लगाना चाहिए। Cartoons move कर रहे आगे धीरे-धीरे। Exist takes down Regal Toss right now, but then this is the fight जो कि बहुत दिक्कत वाली उसके, because Regal Toss भी down हो चुके हैं। Viper obviously यहाँ पर I guess finish हो चुके हैं। Aman और Mortal बचे हुए हैं। Aman को अपनी health लगानी पड़ेगी। लगा चुके health now. It's a 2v4 fight. INS taking the upper hand in this fight. They are going forward. Look at Smokey. He is moving forward with his things, but then Mortal को यहाँ पर heal करना पड़ेगा। मॉडल की हेल्प बहुत ज्यादा कम, एंड ग्रेनेड कम्स इन ऑन मॉर्टल एज वेल, एंड सोल गेट्स एलिमिनेटेड ऑन 12th पोजीशन। आईएनएस डिड एन एक्सेप्शनल जॉब, एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल प्ले, बिकॉज़ उनको चाहिए होगा, एंड वो थ्रोएबल्स यूटिलिटीज को यूज करने की शुरुआत कर रहे हैं। आई गेस एक और ग्रेनेड जाएगा, एंड इफ दिस ग्रेनेड मेक्स एन इंपैक्ट, इट विल बी अ बिग इंपैक्ट, बिकॉज़ एमजी सेट यहां से एलिमिनेट हो सकती है। क्लच गॉड गोस फॉर इट एंड एक्चुअली एलिमिनेट 0 डिग्री विद जस्ट द ग्रेनेड्स। गन्स नहीं चाहिए, M249 किसी और को दे दो, बिकॉज़ ग्रेनेड्स के साथ सारा इंपैक्ट बना सकते हैं। क्लच रिमोनो साइड हो रहे, बट देन कोक आई गेस आगे मूव करके गेम प्ले पूरा बिगाड़ सकते हैं। स्मोक विल बी द वन थिंग जो कि क्लॉक को थोड़ा थोड़ी देर के लिए रोक देगा, एंड हाइड्रा जायरो गॉड आगे आ चुके हैं। विशियस केल काफी ज्यादा है, मोलोटोव से डाउन हो जाते हैं। मोलोटोव ने भी अपना डैमेज किया, एंड गोलियों ने अपना डैमेज किया। ग्रेनेड काफी प्यारे तरीके से आया था, दक्ष केल बहुत ज्यादा कम है, बट देन मनु टेक्स हिम डाउन, बट देन दक्ष किसी को नहीं पता दक्ष कहां पर है, नो वन एक्चुअली नोस, एंड दक्ष के पास ही दे प्लेयर क्वर्क अंदर आते हैं, बट देन ही टेक्स डाउन गॉड्स रेन इन दिस फाइट। टू प्लेयर्स जो है पीईएस के, वो बाकी सब प्लेयर्स की नाक में दम करके रखे हुए इस टाइम पे, बिकॉज उन्होंने एसजी के प्लेयर्स को डाउन किया, उन्होंने पहले बहुत फाइट्स किए, बट यहां पर पीईएस एलिमिनेट हो जाती है। वुल्वरी को डाउन कर किया जाता है टी बाय टीम, आईएनडी ट्रांस एंड स्नैक्स एंड खत्म करते हैं। नाउ इट्स अ 4v4v4 फाइट, सारे के सारे टीम्स परफेक्ट है, बिकॉज इन द नंबर्स गेम सबके पास चारों के चारों प्लेयर्स अलाइव हैं। फनाटिक पर तो हेल्ड डाउन हुई थी, बट देन उन्होंने हील कर, दे आर होल्डिंग द ग्राउंड स्टिल, दे आर इन द ओपन, एंड आईएनडी विल मेक द बेस्ट कि कोई यहां पे जोन के अंदर ना पाए। यहां पर तो जोन के बाहर नॉक हो जाते हैं। स्लेयर एक्चुअली वांट्स टू टेक डाउन पर, जो टेक्स डाउन पर
Mitosh goes back inside, but then damage has been done on Slayer as well because Ash upar aa chuke the. Ash ne spot kar liya tha, but is particular time ye fight chahiye hogi. Ek aur player ko down, Steer bhi ek HP pe lekar jaate hain. Ronak ko spray kar rahe desperately, takes Ronak kill on his own hands and will try to pop up that first hit. Fnatic jo 4 man strong thi, is time 2 man weak ho chuke hai. Ash aur Owaze bache hue hain is fight mein. Steer bhi aur Austinex aage ki taraf aana chahte hain fight lene ke liye, but then team IND unko block karegi. Steer bhi takes down Owaze as well. It's down to Ash, one person surviving for the team, and Owaze ko bhi finish kiya jayega is fight mein. Yeah, aur yahan pe Ash wushi smoke ke andar he will survive for the next moments, but yahan pe SGE they will be trying to go into the compound because zone bahut chota ho chuka hai. Yahan pe SG kuch nahi kar sakte, they have to snake it way in. Yahan pe Ash is the last remaining guy of Fnatic, so let's see what happens. We are down to the heel battle because final zone aa chuka hai. 9 zone is right in front of you guys and is there middle mein aa chuke. Venom takes down Kratos, Seer bhi aa chuke, but then Austinex ko bhi down kiya. Strider akele bache, team IND takes another chicken dinner in their own hands. Oh my god, this was an epic game by IND once again. Andy, won your prediction.